दिल्ली में क्यों डरा रहा है कोरोना का खौफ, लखनऊ में किसे बदमाशों ने सरेआम मारी गोली, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का अब क्या होगा, देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। फेस्टिव सीजन और बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,264 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 85 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्वेलर्स अभिषेक केसरवानी को बदमाशों ने गोली मार दी। लखनऊ के विकास नगर में जब वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त कार सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। घायल अभिषेक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और किरोड़ी सिंह बैंसला के आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर सहमति बन गई। राजस्थान सरकार ने इनकी सभी मांगों को मान लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर मुंबई में 20 नवंबर को होने वाले छठ पूजा उत्सव की अनुमति मांगी है। अतुल भातखलकर कोरोना से जुड़े सारे नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा कराने की अनुमति मांग रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इस साल सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी। DDMA ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं कराने के आदेश जारी किए हैं। अपने घर या किसी निजी स्थल पर छठ पूजा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के सिरसिया में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन सिंचाई विभाग की है और इस पर अवैध कब्जा कर घर बनाए गए थे। बिहार में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई, इसी बीच मुजफ्फरपुर में जापानी बुखार कहर दिखाने लगा है। पिछले कुछ महीने में मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस फीवर के 76 बच्चे यहाँ एडमिट हुए हैं। इनमें से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। साल 2019 में यहाँ जापानी बुखार से 161 बच्चों की मौत हो गई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस में 3 और नई बटालियन बनाने का ऐलान किया है। इनमें 3,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कोरोना के बाद शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए 16,000 नई नियुक्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इस साल बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को बिजली नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। दरअसल UPPCL ने UP में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।